जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा, अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आया हुआ हूं, जो पॉश इलाके में है, पॉलिटेक्निक चौराहे पे, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में GPL कहते हैं लोग। ये बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। यहाँ के आज आपको मैं मेस में लेके जाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे कमियाँ हैं उसको गिनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जो कमियाँ हैं, सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा मेरी वीडियो से कि उन कमियों को सुधारा जाए, ताकि बच्चे यहाँ अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और जो ये चलाते भी हैं मेस वाले, उनकी भी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, उनकी परेशानियों को भी सुधारा जाए। तो आइए हम आपको मेस दिखाते हैं। ये पंखा चल रहा है, देखिए, और कोई पंखे नहीं चल रहे हैं। ये तो ये यहाँ पर कमियाँ हैं चीज़ों की। तो यहाँ पे हम एक लोग से बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे खाना कैसा है। सर, यहाँ पे खाना कैसा है? ठीक है, खाना ठीक है। खाना ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना टाइमली मिल जाता है? ठीक है, जितने पैसे में उतना सही है आपके लिए, मतलब बढ़िया सुटेबल है। ठीक है, आइए हम यहाँ पे और भी कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? प्रशांत कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुशीनगर। ठीक है, और ये खाना आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो जितने पैसे में उतना सही है? हाँ ठीक है। लेकिन संचालक के लिए यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, जितने पैसे में उनका नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भाई खर्चे बहुत ज़्यादा है। आज के समय हर चीज़ महंगा हो गया है, लेकिन जो यहाँ का नियम कानून चल रहे हैं वो आज भी 10 साल पुराने ही चल रहे हैं। उतने ही पैसे में जो आज से 10 साल पहले बच्चे आते थे उतने ही रुपये में खाते थे, और आज आप लोग भी उतने रुपये में खाते हैं। थोड़ा सा मतलब या तो आप अपनी तरफ से दीजिए, या तो संकल्प सरकार यहाँ सपोर्ट करे, कम से कम अनाज प्रोवाइड कराए लोगों को, है ना? चीज़ें होनी चाहिए ना? हाँ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजगुरु। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, बिहार के। तो खाना सही, भाई सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ क्या सुधार चाहते हैं, मतलब मेस में क्या कमियाँ हैं जो आप सुधार चाहते हैं? मेस में सर कमी बहुत कमी है, बहुत कम, बहुत कम है। थोड़ा सा ये मेज कुर्सी वाली कमी, जो नीचे बैठ के आप लोग खाना पड़ता है, ठीक है ना? और पंखे वंखे नहीं चल रहे? पंखे सर, तो अब ये तो प्रशासन का काम है ना। हाँ हाँ, तो मतलब ये चाहते हैं, लेकिन उसमें सर बोले कि अब कॉलेज से अब जब रिस्पांस आएगा उसके बाद ही होगा, कॉलेज से रिस्पांस नहीं आता है। तो सर कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी नहीं, जब आएगा इसके लिए फंड तो करवाया जाएगा। अच्छा, मतलब ये बहुत दिनों से खराब हो, जब से आप हैं तब से फैन खराब है? नहीं, हाल ही फिलहाल में खराब हुआ है। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए सब नीचे बैठ के खा रहे होते हैं, देखिए कुछ बच्चे आइए। सर, आपका नाम? ब्रिकेश मौर्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ के। ठीक है, खाना कैसा है यहाँ का? खाना तो अच्छा ही बनता है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पे वो सब सब बेकार। मूलभूत सुविधाएं का, जैसे नीचे बैठ के खाना हो गया, ये नीचे बैठ के पंखा नहीं चलते, रूम के रूम में सफाइयाँ नहीं हुई है, सब मतलब सभी कुछ गंदा हुआ। पेंट जब से हॉस्टल बना है तब से पेंट कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कमियाँ हैं यहाँ पर, थोड़ी सुधार जाते हैं। आपका नाम? सुवेंद मिश्रा। आप कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर। आप तो योगी जी के जिले के रहने वाले हैं, तो आप योगी जी से क्या करना चाहते हैं कि इस मेस में वो सुधार हो सके? खाना बढ़िया है? खाना तो बढ़िया है, मतलब और कम दर पे मिलता है, रुपए भी कम लगते हैं इस खाने, जिस हिसाब से खाना मिलता, मतलब ये मेस वालों कहना है कि इतना इनको सुटेबल, मतलब इनके इतना खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो सरकार इसमें थोड़ा सपोर्ट दे, इनको कम से कम अनाज प्रोवाइड करा सके यहाँ पे, ताकि ये कुछ अपना मिला के उसमें बच्चों से तो हम इतना ले नहीं सकते हैं। ये हम लोग से भी शिकायत कर चुके हैं एक बार, नहीं आपसे भी इतना नहीं ले सकते कि यार गरीब परिवार से आते हैं, आप यहाँ पढ़ने आते, तो आप इतना पैसा नहीं दे सकते कि आप 500 रुपए दे पाए इनको डेली खाने का। सरकार को मतलब कुछ अनाज प्रोवाइड कराना, साथ यहाँ कुर्सी की जरूरत है, जैसे कि कुछ रमन हॉस्टल है वहाँ पे कुर्सी मेज सलाद वलाद नमक वमक सब कुछ मिलता है यहाँ पे, देखिए व्यवस्था आप देख ही रहा है, नीचे बैठ के हम लोग खाना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये सरकार से हम चाहते हैं। ठीक है सर, आपका नाम? रामराज। तो खाना बढ़िया है? बहुत बढ़िया खाना। ठीक है, और यहाँ पे कमियाँ क्या क्या है, मतलब मेस में क्या कमियाँ रहेंगी? कमियाँ कुछ नहीं है, बस कमियाँ के तौर पे हम ये कह सकते हैं कभी कभार खाना लेट हो जाता है 10-15 मिनट। अच्छा, कभी भी लेट के बाकी कोई नहीं, और बाकी कोई कमी बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार लेट, हाँ कभी वो तो हो जाता है। बाकी ये जो आप लोग नीचे बैठ खा रहे हैं ये आपको? अरे बहुत अच्छा है, ये चीज़ सही है, फर्स्ट क्लास है। बच्चों को लग रहा है कमियाँ है कि हम लोग को मेज कुछ नहीं मिली है? नहीं, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो कमियाँ लग रही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सही है। और ये फैन नहीं चल रहे जो पॉइंट, तो वो पानी का दिखा दीजिए, देखिए फैन भी नहीं चल रहे हैं वहाँ, तो फैन ही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। सर, आपका नाम? तनय कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर। खाना बढ़िया है? नो कमेंट। ये नीचे बैठ के खाना होता है? ये भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत अच्छा है, देसी लोग इसे अपनाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी संस्कृति के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग को शायद नहीं अच्छा लगता। आपके साथियों ने कहा है कि हमें मेज कुर्सी चाहिए, ठीक है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना समझे। बाकी और क्या, मतलब यहाँ कमियाँ क्या है थोड़ी सी? फिलहाल कमियाँ कुछ नहीं है।
कभी कभी बस खाना लेट होता है, कम रेट में मिल रहा है बस, है ना। आप किस चैनल से हैं? मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है? फिर आपका नाम? आर्यन सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर से हैं। चलिए ठीक है। और खाना ठीक है? खाना हाँ एवरेज तो नहीं, नहीं कम पैसे में? हाँ हाँ एवरेज है खाना। मतलब कितना रुपये लगता है एक महीने का? इधर का 1600 प्राइस है। ये पुराना ही रूल चल रहा है आज भी? हाँ हाँ, 10 साल 12 साल पहले का ही रूल है। हाँ, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई तो इनको भी सर्वाइव करना सेट अप होता है। उसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से ठीक है खाना। ठीक है सर, आइए देखिए सब बच्चे बैठे हुए हैं, गर्म दिखाना चाहते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। आजमगढ़ के? यस सर। खाना कैसा है? बढ़िया सर। पेट भर के मिलता है? हाँ पेट भर के मिलता है, कभी कभी गड़बड़ भी आता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए कुछ लोग हैं। सर आपका नाम? सतीश। कहाँ के रहने वाले आप? देवरिया। तो यहाँ क्या कमियाँ हैं? खाना बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। नीचे बैठ के खाने को दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम। फैन नहीं चल रहा? फैन नहीं चल रहा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें हैं। और बाकी हॉस्टल कैसा है आपका? हॉस्टल बढ़िया है। ठीक है। हाँ ठीक है। सरकार से आप यहाँ क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि क्या सुधार कर दिया जाए यहाँ पे? बस इलेक्ट्रिकल जितने भी चीज़ें हैं, हाँ बिजली की कमियाँ हैं थोड़ी सी, और थोड़ी साफ सफाई है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया। ठीक है आगे देखिए, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ग्रुप बैठे हुए हैं। आपका नाम सर? प्रशांत कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? इटावा। खाना बढ़िया है? हाँ मस्त है, बढ़िया। कमी तो नहीं? नहीं कोई कमी नहीं। ठीक है, देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखिए खाना है, ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया सब्जी बनी हुई है, देखिए इतना मसालेदार बढ़िया सब्जी बनी हुई है, कमी तो नहीं है। ये देखिए बच्चे यहाँ ले रहे हैं जितना चाहे। ये एक थोड़ा मेज है, कुर्सी उर्सी आ जाए, पंखे सारे खराब पड़े कुछ, एक दो पंखे। सरकार यहाँ से अपनी तरफ से अनाज प्रोवाइड करेगा, फीस में कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप ज्यादा दे ताकि बच्चे यहाँ पे पैसा प्रोवाइड कर सके अपनी तरफ से मेस के लिए ज्यादा। थोड़ी सफाई फाई कॉलेज गेट से घास सब उगी हुई है, ये सब हटा दे, फर्ज लोग जानवर रात रात आ जाए तो हम लोग को भी दिक्कत हो, यहाँ पे निकलना है ये चीज़। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ, कृपया इतना थाली मिले अन्यथा व्यर्थ ना करें। ये अनाज यहाँ पे लिखा हुआ है, रूल है भाई, सही भी है, अनाज बर्बाद नहीं भी होना चाहिए, ये नियम भी कानून भी है। क्योंकि रिवॉल्यूशन हुआ था हमारे देश में, कमी थी, हरित क्रांति आई थी तो अनाज की बहुत कमी थी, इसलिए रिवॉल्यूशन आया था। देखिए आगे और कुछ नियम कानून लिखे हुए हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति का छात्रावास मेस में खाना अनुमति नहीं है, कोई भी छात्र खाना खराब नहीं करेगा, जितना जरूरत होगी उतना ही ले, सभी छात्र समय पर खाना खाएंगे और सभी छात्र अपनी फीस महीने के 5 तारीख तक अवश्य जमा कर दें, क्योंकि भाई इनको भी अपने खर्चे देने होते हैं, इनके पास भी लेबर है, उनको भी पैसा देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे कूड़ेदान भी रखा गया है, कूड़ेदान की व्यवस्था भी है, तो ये सब अपना करते हैं लेकिन बर्बाद करते हैं थोड़ा बहुत अनाज, लोग बच्चे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अनाज बर्बाद भी होता है, अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए, इतना महंगा अनाज आज के समय। देखिए यहाँ पे एंट्री की सुविधा भी है, बच्चे जो आते हैं एंट्री करते हैं तो उसके बाद जाते हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा है कि लोग यहाँ बाहर चप्पल उतारते हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा है, लोग यहाँ अंदर जाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें बनी हुई यहाँ पे, ये पूरा हॉस्टल है, देखिए ये पूरा डाइनिंग हॉल जहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए आप देख रहे होंगे। सो ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जो कमियाँ हैं इसको सुधारा जाए और मेस के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि मेस में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इतना पैसा खर्च होता है पूरी चीज़ों में लेकिन मेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेस के लोगों को और मेस के बच्चों के द्वारा जो उनको या तो पैसा प्रोवाइड किया, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे वहाँ भर सकें, क्योंकि बच्चे भी ऐसी फैमिली से आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा पैसा दे सकें, तो बच्चों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाए और या तो मेस वालों को अलग से अनाज प्रोवाइड किया जाए ताकि मेस वाले सर्वाइव कर सकें, यहाँ के बच्चों को अच्छे से खिला सकें। तो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से मैं ये नहीं क्या ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने की बात नहीं है और ना ही किसी बच्चे के लिए मैं विरोध कर रहा हूँ, भाई इतना बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन सरकार जो कमियाँ हैं थोड़ा सा उसमें सुधार करे, जो ज़रूरत है मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहुँचाए। देखो आज यहाँ पे जो नियम कानून चल रहे हैं वो आज भी 10 साल पुराने चल रहे हैं, तो उसके अनुरूप ना चले। आज के प्रेजेंट में जो महंगाई है, देखिए आप तेल भी देख रहे होंगे थोड़ा सा, मतलब हम ये नहीं कहते कि बहुत महंगाई, भाई समय के साथ तो महंगा होता ही जाएगा, आज से 10 साल पहले अलग महंगाई थी, आज से 10 साल बाद अलग महंगाई होगी, तो हमारे समाज में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए और जो ये संचालक है इनको भी उसी हिसाब से वेतन में अधिक से अधिक पैसा मिलना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, बाकी मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, ना ही इन मेस चालकों का, ना ही किसी छात्र का। सो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत।